भी फट सकता है और भेज भी नहीं हो सकती है। और तुम लोगों का क्या होगा? इससे पहले हमारा कुछ बिगड़ा है जो अब बिगड़ेगा। भाई वो पुलिस आ गई है। पुलिस? जी भाई। ये पुलिस कैसे आ गई? पता नहीं भाई, शाहजी ने तो कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। तुम जाके दरवाजा खोलो। ठीक भाई। ये लो, अंदर ध्यान रखना। सही है। मैं जाके कोई केस बनाता हूँ। ठीक, चलो अंदर मेरे साथ। बेहद जानती नहीं है लड़की, अभी हम तेरी मोहब्बत को परख रहे हैं, फिर उसे भी काबू में करेंगे। हाय बाबा, बस जो भी हो ना जल्दी हो जाए। हो जाएगा, हो जाएगा, बस तू आती जाती रहे। और हाँ, अगले हफ्ते फिर आइयो, तेरे लिए ऐसा रास्ता निकालूंगा कि वो तेरे कदमों में होगा। और हाँ, फिर तुझे इस बाबा के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बस बाबा, जो भी होगा ना, जितना भी होगा, मैं अपनी भेंट चढ़ाने को तैयार हूँ। बस मेरा काम हो जाए बाबा। जाना ही था तो बता के तो जाना था ना। आंटी कितना परेशान हो रही थी, कहां कहां फोन नहीं किया। यार मुझे क्या पता था कि वहां ये सब कुछ होगा। वैसे तो बुकराज साहब को पहले से हर चीज का इल्म होता है। अच्छा यार प्लीज ज्यादा तकरीरें मत करो, जाके किचन से एक कप चाय बना के ले आओ। आंटी बना रही है चाय। अच्छा, और तुम क्या कर रही? जनाब को देख रही। समझ में ये नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। थैंक यू आंटी। अगर कोई अच्छा काम भी करे तो उसको ये सिला मिलेगा। आंटी आजकल अच्छा और बुरे का फर्क ना ढूंढिए, आजकल सिर्फ काम होता है, सिर्फ काम। अरे बेटा, जिस जगह लोग रोजी कमा रहे हैं वहीं पर ये सब कर रहे हैं। आंटी आप भी बहुत भूलिए, आजकल रोजी इल्म मेहनत मजदूरी से नहीं कमाई जाती, फंकारी से कमाई जाती। जिंदगी के हर डिपार्टमेंट में एक से एक फंकार है, वर्कर नहीं है। जो जितना बड़ा फंकार है वो इतना ही कामयाब है। समीना, तुमने क्या आज सुबह सुबह फलसफा तो नहीं पढ़ा था? जो कुछ मैं कह रही हूँ क्या वो सच नहीं है? और सच ही फलसफा होता है। गुड, अब जल्दी से जाओ और मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना के लाओ। खाने की क्यों बनाएगी, ये तो तुमसे मिलने आई है, तुम्हें देखने आई है, तुम्हारी खैरियत पूछने। खाना तो मैं बनाऊंगी और हम सब मिलके खाएंगे। जाओ मामा की हेल्प कराओ। फाइन। आप इस तरह तो फिर आपके साथ भी इस घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लड़की है ना, एक दिन आपको भी भेज। खाले, मैंने नहीं खानी है रोटी। ओ पोले तू ही बता इसको हुआ क्या है? अरे कुछ नहीं अम्मा, वो समोसे नहीं खिलाया ना इसको तो नाराज होके बैठ गई। लाट साहब नहीं कहेंगी, एक मर्जी पूरी नहीं हुई तो नाराज होके बैठ गई। इसी राजे महाराजे की जी ना, तो फिर क्यों भाग गया था सड़क पे? उसे है दस मुझे शांत मेरे लिए। पर रानी को तो ये बात नहीं पता ना। आज मैं ना फैसला सुनाने आई हूँ। कैसा फैसला? दादू वो दोनों आजकल ना बड़ा लड़ते हैं। अच्छा, जब दोनों जवान मुंडा तो कुड़ी लड़ते हैं ना, तो उनमें प्यार हो जाता है, इसलिए लड़ते हैं।
तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, तू है ही पगलू। आप जानती है ना, मैं आपका लिहाज करते हुए चुप हो गया। लेकिन सोया ने बहुत गलत हरकत की है। उसने इंसल्ट की है मेरी। क्या मैं इतना गया गुजरा हूं कि वो इस तरह से मुझे बेइज्जत करेगी? नहीं नहीं, हरगिज नहीं भाई। आप प्लीज पूछे उससे, बात करो उससे। नहीं, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं हम्माद से बात करूंगी। लेकिन हम्माद भी कुछ नहीं बोलेंगे, उन्होंने ही बिगाड़ा है उसे। क्यों, कुछ क्यों नहीं कहेंगे? सर चढ़ा रखा है उन्होंने, लाडली है उनकी, बस जो वो कहे वही सही है। आपा इस तरह तो फिर आपके साथ भी इस घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लड़की है ना, एक दिन आपको भी बेइज्जत कर देगी। खैर, अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे सामने बात कर सके। अच्छा खैर ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक मरतबा फिर कोशिश करके देखती हूँ। नहीं आप किसी चीज का भी कोई फायदा नहीं। जिस लड़की का शादी से पहले ये एटीट्यूड है, तो शादी के बाद क्या हाल होगा उसका? मुझे नहीं करनी इससे शादी। अस्सलाम वालेकुम। अरे आमिर मियां बेटा, तुम कब आए? बस अभी थोड़ी देर। जी, और अब बेइज्जती करा के वापस जा रहे हैं। बेइज्जती? बेइज्जती किस बात की? आमिर बताओ ने। आप ही बता दें। आपकी लाडली जो है ना जोया, जिसे आपने सर चढ़ा रखा है, उसे तमीज नहीं है किसी से बात करने की। इतनी बदतमीजी की आमिर के साथ। महवेश, मेरी बेटी जानती है कि किसके साथ कैसा सलूक करना चाहिए, समझे? तो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे अब उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं बार बार एक ही आग में नहीं जलूंगा। मैं बेचारी शानो को देवी कह सकता हूं, कुछ भी तो नहीं। मेरे पास जो भी था वो तो रानी लेके चली गई। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया हूं। मैं शानू को साफ साफ बता दूंगा कि वो मेरे पास आया ही ना करे, बल्कि मैं उधर जाऊंगा ही नहीं, किसी और तरफ ही निकल जाऊंगा। दो चार दिन इंतजार करके खुद ही चुप हो जाएगी। हाँ यही ठीक रहेगा। समीना, आपने रानी को स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाया, कुछ समझाया, कुछ बताया आपने? ये मेरा काम नहीं है, ट्रेनिंग देने के लिए आप यहाँ आए हैं। हाँ अलबत्ता मैं आपके और रानी के साथ यहीं मौजूद रहूंगी। हाँ भाई रानी, देखो रानी, अब तुम्हें एक बहुत बड़ी हीरोइन बनना है, इसके लिए तुम्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर तुम सिंगापुर, मलेशिया, दुबई सब जगहों पे जाओगी तुम, क्योंकि हमारा सीरियल वहीं बन रहा है। अच्छा जी। रानी तुमने फिल्में तो देखी होंगी ना? हाँ जी, बड़ी इंडियन फिल्में देखी हैं। मैं ना कभी कभी ठिए से वापसी पे चली जाती भोले के साथ होटल फिल्में देखने, और रेखा का डांस बहुत शौक से देखती थी मैं।
अब तुम समझ गए ना कि हीरोइंस कैसी होती हैं। हम तुम्हें रेखा से बड़ी हीरोइन बनाएंगे और उसके बाद फिर तुम्हें लोग देखने के लिए रुक जाया करेंगे। अच्छा जी, पर कैसे? अरे भाई, हम आए किस लिए? तुम्हें समझाएंगे, पढ़ाएंगे और फिर बताएंगे कि हीरोइन होती कैसे। जी, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता, ना लिखना ना पढ़ना। समीना जी ने भी बड़ा जोर लगाया। अरे भाई, इनके बस की बात ही नहीं थी ये। अब हम आ गए ना, अब तुम्हें बताएंगे कि हीरोइन बनना कैसे। एक महीने में सब सिखा दूंगा मैं। पर जी, इसके बाद तो मैं ठेकरी पर चली जाऊंगी ना, अपने बाबा के पास, भोला के पास। ठेकरी को भूल जाओ, अब तो सिर्फ दुबई को याद रखो, दुबई को। वो तेरा मसला है और ये मेरा मसला है। मेरा क्या कसूर है कि मुझे तेरे साथ बातें करना अच्छा लगता है? इसीलिए कह रही हूँ मुझसे मत भागना, वरना मैं जमीन और आसमान एक कर दूंगी। फैसला कर लिया कि फैसले के अंतर्गत होगा और जो तू चाहेगी वही होगा। मसले हैं बेटा और उनको फेस करना पड़ेगा। एक मसला तो यह है बेटा कि शायद तेरी दोनों माएं इस रिश्ते पे एतराज करें, और दूसरे ये कि हो सकता है कि ये दोनों अपनी अना का मसला बना लें। ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है, मैंने उसको ऐसी कोई तरबियत नहीं दी है, ना कुछ कहा है उसको मैंने। वैसे तुम्हें ये ख्याल कैसे आ गया? इसलिए कि जो उसने अपने दिल में सोच के रखा हुआ है, बस सिर्फ उसी की बातें करती रहती है। हालांकि खावर एक अच्छा लड़का है। चाइना ही जरूरी तो नहीं है ना कि जो तुम्हें अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे। तुम्हारा ये ख्याल था कि किसी भी गधे लड़के को तुम मेरे सामने लाके खड़ा करोगे और मैं जोया से शादी कर दूंगा उसकी। आप वैसे भी जोया की शादी अपनी मर्जी से नहीं करा सकते। शाहिना जिसे भेजेगी ना जोया के लिए, आप उसे कबूल करें। Thank you.
क्या कह रहे हैं आप? आपने फैसल के लिए अपना फैसला बदल दिया है? नहीं नहीं बेटा, मैंने फैसल के लिए अपना फैसला नहीं बदला है किसी चीज के लिए भी। ये इख्तियार तो तुम्हारा है। तो फिर तुम एक दफा खावर से मिल लो ना, उसे मुलाकात कर। फिर वही बात, जब मेरा खावर से कोई लेना देना ही नहीं तो मैं क्यों मिलूं? बेटा एक दफा मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैं समझ गई, आपने खावर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने किसी के बारे में कुछ सोचना शुरू नहीं किया बेटा। एक बाप की क्या ख्वाहिश होती है? यही होती है ना कि उसकी बेटी अपने घर में बहुत खुश हो। मैं यही चाहता हूँ बेटा कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं जानता हूँ आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मगर मैं तुम पे कोई जबर नहीं करना चाहता बेटा। कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं जरूर मिलूंगी। हाँ बेटा मिल लो उससे, मिलने में कोई हर्ज नहीं है एक दफा। और फिर तुम्हारा भी सफर शुरू ही हुआ है मेरे बेटे। जिंदगी के राह में तुमने पहला कदम रखा है, बल्कि भी तो तुम्हारा सफर शुरू ही नहीं हुआ। ठीक कहता है। देखो ये बात भी तो है ना कि तुम्हारी मामा समझती है कि मैं जानबूझ के तुम्हें उससे नहीं मिलाना चाह रहा, वो भी जरा मुतमईन हो जाएगी। जी मैं समझ गई। थैंक यू वेरी मच मेरे बेटे, चलो मैं घर छोड़ू। बोला बोला बोला, क्या हो गया तुझे? बोला बोला तू कहाँ चला गया? तुझे ढूंढ ढूंढ के मेरे पैरों में छाले पड़ गए। आखिर मुझे बताना मेरा क्या कसूर है? तू क्यों मुझसे नजरें चुड़ा रहा है? मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है। मेरी किस्मत ही मुझे एक जगह टिकने नहीं देती। मैं ये समझ ले कि मैं मर चुका हूँ, और एक मरे हुए आदमी से तुझे क्या मिलेगा? ऐसा मत बोल भोला, तू भी जिंदा है, और जब तक इंसान की सांसें होती हैं उसे जिंदा रहना होता है इसी दुनिया में इन्हीं सब लोगों के साथ। तू अकेला होकर नहीं रह सकता। इसीलिए तो डरता हूँ कि कोई जख्म सीने पे ना लग जाए। एक रानी चली गई तो तूने पूरी दुनिया को उस जैसा समझ लिया है? क्यों? तू मेरी बात तो समझ। कोई नहीं समझता मुझे, याद रख तू इस तरह से मुझसे भाग नहीं सकता। छोटी सी दुनिया है, कहाँ छुपेगा तू? किसी ना किसी तरह ढूंढ लूंगी तुझे। देख शानू तू समझती नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मैं तुझे कुछ भी नहीं दे सकता। ओ पगले, तूने औरत को समझा क्या है? हाँ कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे। हाँ सिर्फ सिर्फ प्यार चाहिए, और औरत को सिर्फ प्यार ही चाहिए होता है। जिससे वो प्यार करती है ना, उससे सिर्फ प्यार की ही उम्मीद रखती है। शानू तू खुद ही सोच, ऐसे प्यार से तुझे क्या मिलेगा? रानी के बाद मैं बिल्कुल खाली हो गया हूँ। वो तेरा मसला है और ये मेरा मसला है। मेरा क्या कसूर है कि मुझे तेरे साथ बातें करना अच्छा लगता है? इसीलिए कह रही हूँ मुझसे मत भागना, वरना मैं जमीन और आसमान एक कर दूंगी। ए, भगा दे उसको, भगा दे। क्या सीने से लगा के रखेगा? लगता है उसे भगाएगा नहीं, खुद लेके भागेगा उसे। मत करो ऐसी बातें यार, मैंने कहा ना मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं तो खुद अपनी किस्मत को रोता रहता हूँ, ऊपर से तुम लोग मुझे तंग करने आ जाते हो। कोई बात नहीं भाई, केस हो गया है ना तो होने दो, कोर्ट में देख लेंगे। तो क्या मतलब, तब तक क्या फैक्ट्री बंद रहेगी? क्यों फैक्ट्री क्यों बंद रहेगी? इसलिए कि पुलिस अपनी रिपोर्ट बनने तक कोई काम नहीं होने देगी। चलती तपती धूप है जिंदगी, कैसा रूप है। काश कभी तो साया हो सुख को।